हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार सख्ती कर रही है। मुख्यमंत्री मानसून सत्र के दूसरे दिन की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खनन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार लगातार सख्ती कर रही है। इसका नतीजा ये है कि आज खनन से 2015 से अब तक प्रदेश का राजस्व 4,660 करोड़ रुपये हो गया है, जो इस साल के अंत में 4,800 रुपये करोड़ होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि खनन से जुड़ी लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं और इन पर कार्रवाई भी की जाती है, पुलिस वाहनों को भी जब्त करती है। कांग्रेस के राज में खनन से जुड़ी महज 871 FIR दर्ज हुई है और 31 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला गया, जबकि हमारे कार्यकाल में 2,406 FIR दर्ज हुई और 154 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उन्होंने कहा कि नूह में DSP की हत्या के मामले में SIT का गठन किया गया है, जिसमें अभी तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है। पुलिस ने सर्च अभियान चलाकर सैकड़ों अवैध वाहनों को भी जब्त किया है। के माध्यम से बताना है कि हमने रेजोल्यूशन भी पास किया है कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। हरियाणा भारतवर्ष के कुल 61 पदक आए हैं, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत पदक हैं और 23 कांस्य पदक हैं। हरियाणा का शेयर भी एक सराहनीय है, बहुत अच्छा रहा है। 22 में से 9 पदक केवल हरियाणा प्रदेश के अपने खिलाड़ियों ने प्राप्त किए हैं। रजत में 16 में 2 हैं, ये थोड़ा कंपेरेटिवली उतनी बड़ी रेशो नहीं है, लेकिन कांस्य में 23 में से 6 हैं। कुल 17 पदक हरियाणा के, एक बहुत अच्छी एक पहल ये की गई है। हरियाणा की जो खेल पॉलिसी है वो बहुत, जिसको कहना चाहिए, सराहनीय है। हम कॉमनवेल्थ यानी जो भी स्वर्ण पदक विजेता होते हैं उनकी राशि अलग अलग खेलों की अलग अलग है, तो जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं उसमें स्वर्ण पदक की राशि 1 करोड़ रुपये प्रति जो पदक विजेता है उसको।